छत्तीसगढ़ गोरखपुर में एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और वहां पर जमकर जनता के बीच उन्होंने फिर से काम किया, नेक काम किया, जिसकी तारीफ हो रही है। हम आपको अपने खास स्पेशल रिपोर्ट में वो क्लिप दिखाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ का। लेकिन इससे पहले आप सबको हमारे इस खास स्पेशल प्रोग्राम में आपको बता दें कि खास तौर पर मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति बात कर रही हूँ। यहाँ पर आज के हमारे स्पेशल प्रोग्राम देश दुनिया समाज में खास तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए मुसीबत क्या आई है। उपचुनाव होने वाला है और उपचुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में ईद का त्योहार जो है सबसे बड़ा खास होने वाला है, क्योंकि मुस्लिम मंदिर मस्जिद मामले में रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती तक में कई चीजें ऐसी हुई हैं जिसे लेकर एक्शन मोड में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। जैसा कि आप जानते ही हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में जन्म लेने वाले इस लाउड स्पीकर विवाद पर एक्शन लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हजारों लाखों की तादाद पर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाया और कई जगहों पर लाउड स्पीकर की आवाज धीमी करवाई। लाउड स्पीकर के बैन के फैसले लेने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुस्लिम जनता तो पूरी तरह से निराश नजर आई है और उनका निराश होना यहां पर सामने आ रहा है। अयोध्या में, अयोध्या जो राम भूमि है, जहां पर सबसे ज्यादा काम करके सीएम योगी आदित्यनाथ ने 5 साल में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जनता का दिल जीता अयोध्या में राम मंदिर को लेकर, उनके काम को लेकर। और इसी वजह से सपा छोड़कर अपर्णा यादव बगैर टिकट की उम्मीद के, बगैर मंत्री पद की उम्मीद के बीजेपी में शामिल हुई। अपर्णा अब भी कहती है कि वो राम भक्त है और राष्ट्रवाद के लिए बीजेपी में आई है और पूरे हिंदुस्तान को पूरी तरह से भगवा में डूबे रहते हुए वो देखना चाहती हैं। राम भक्त अपर्णा यादव को बने हुए देखकर केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है वो भी काफी प्रसन्न रहते हैं। तो जरा जान लीजिए कि अयोध्या, जहां अयोध्या नगरी में बीजेपी के काम से सबसे ज्यादा प्रसन्न अपर्णा रही हैं, जो कि भगवा रंग का प्रचार करती रही हैं, राम भक्त कहकर बीजेपी का प्रचार करती है, उनके लिए भी मुसीबत है, क्योंकि उनके लिए 2024 बहुत खास है। 2022 की विधानसभा चुनाव में अपर्णा यादव नजर नहीं आई है टिकट लेती हुई, चुनाव लड़ती हुई, तो अब 2024 का उनका टारगेट है। लोकसभा चुनाव में वो बड़ा चेहरा बनकर उतर सकती है विपक्षियों के खिलाफ और इसीलिए 2 साल के समय में वो काम करना चाहती हैं यूपी में सबसे ज्यादा और वो कर भी रही हैं। लेकिन जो अयोध्या में स्थिति है, जो हाल ही में पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस प्रशासन ने इस पर स्टेटमेंट दिया है, वो जानकर अपर्णा और बीजेपी के तमाम मंत्री साथ साथ में योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि मुसीबत ईद से ठीक पहले आ गई है। तो ईद में किस तरह से माहौल को खराब करने के लिए मुस्लिमों की जनता और तमाम तरह के लोग जो है मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश भी कर रहे हैं, देखिए जरा इस खास रिपोर्ट में। देते हुए उस पर काम करते हुए इस घटने का अति अल्प समय अनावरण और इसमें जैसा कि सर ने बताया 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई गई है। साथ ही साथ इसमें जो वाहन
प्रयुक्त हुए हैं तथा अन्य सामग्री है उसकी भी बरामदगी सुनिश्चित कराई गई है। घटना की प्लानिंग जो है वो लगभग 4 दिन पहले की इन सब की थी और मुख्य सूत्रधार पूरी घटना का और घटना में जो जिसने स्वयं शामिल होकर इस घटना को अंजाम दिया उसका नाम महेश मिश्रा है, जो इसी शहर का रहने वाला है। उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर कुल 11 लोग इसमें प्रकाश में आए। घटना अज्ञात में पंजीकृत थी जैसा कि आप सभी अवगत हैं और लिमिटेड क्लू पुलिस के पास था। तो इस पूरी घटना में 11 लोगों प्रकाश में आए जिसमें मुख्य आरोपी जो है वो महेश मिश्रा है। इसके साथ इस घटना में ब्रिजेश पांडे और ब्रिजेश डॉक्टर, नितिन, भूषण, बाबू मिश्रा, उसके अलावा इसमें प्रत्युष, शत्रुघ्न प्रजापति, विमल पांडे, सुशील यादव, अनिल चौहान, ये सब इसमें शामिल रहे हैं। कुल 7 अभियुक्तों को जिसमें मुख्य अभियुक्त शामिल है गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है महेश मिश्रा, प्रत्युष, नितिन, दीपक गौड़ उर्फ गुंजन, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडे। घटना को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग के बाद जो घटना को अंजाम देने के लिए जो लोग गए थे वो 8 ले गए थे और 4 मोटरसाइकिल पे जिसको लीड महेश मिश्रा कर रहा था और जैसा कि सर ने बताया आपत्तिजनक पोस्टर। तो हमारे खास रिपोर्ट में आपको हमने बताया पुलिस प्रशासन यूपी पुलिस प्रशासन कहती है कि अयोध्या में ईद पर माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की गई है जिससे जनता भड़के और हिंसा को बढ़ावा दिया जाए। जो रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती तक हिंसा को बढ़ावा दिया गया था उस हिंसे को बढ़ाने के लिए ईद के मौके पर भी तैयारियां की गई थी जिससे पुलिस प्रशासन पहले से ही सख्ती बरत रही है। अब योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर छोड़ अयोध्या पर भी निगाहें टिकानी पड़ेगी वरना ईद पर जो हंगामा होगा उससे नतीजा चुनाव में भी बहुत ही खराब आ सकता है बीजेपी के लिए जिससे परेशानियां अपना यादव को भी होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें तमाम बड़ी खबरें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।